नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा, और सबसे पहले खबर की बात करेंगे जहां रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। आज आ सकती है कांग्रेस की तीसरी सूची, लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जल्द आने की संभावना है। छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर प्रत्याशियों का भी नाम होगा। कांग्रेस के सीनियर नेताओं से चर्चा हो चुकी है। 5 सीटों की सूची जल्द जारी होने की संभावना है, जिसमें बस्तर, कांकेर, बिलासपुर और सरगुजा सीट पर नामों का ऐलान आज हो सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जो एक तीसरी लिस्ट का इंतजार था वो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि सूचना के अनुसार आज 5 नामों की लिस्ट जो है वो कांग्रेस जारी कर सकती है। गौरतलब है कि सिंगल नाम ना होने के चलते लगातार मंथन किया जा रहा था, और जल्द ही आज 5 सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं से चर्चा हो चुकी है इस संदर्भ में। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है रायपुर से, आज आ सकती है कांग्रेस की तीसरी सूची, लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जल्द आने की संभावना है आज। तो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज नेता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, आज कांग्रेस की तरफ से 5 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा सकता है, क्या इसके अलावा और सूचना मिल रही है? देखिए बुशरा, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में 6 प्रत्याशियों का नाम कांग्रेस ऐलान कर चुकी है, बाकी 5 सीटों पर लगातार मंथन चल रहा है। खासतौर पर उन 5 सीटों में बिलासपुर, रायगढ़, बस्तर, कांकेर ये लोकसभाएं हैं, और कोशिश यहां पर हो रही है कि इन जगहों पर बेहतर प्रत्याशी उतारा जाए, क्योंकि पहले ही एक साथ 11 प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी ने की, और उसके 4-5 दिन बाद कांग्रेस ने 6 प्रत्याशियों की घोषणा की थी, जिसमें पूर्व मंत्री तामधोज साहू, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री शिव डहरिया समेत कई वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो अभी जो 5 सीटें बची है उसमें बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, बस्तर, कांकेर, इन इलाकों में भी बेहतर कैंडिडेट वरिष्ठ नेताओं को उतारा जाए, इसके लेकर चर्चा चल रही है। कल इलेक्शन कमीशन की कमेटी की बैठक वहां पर हुई, सीईसी की बैठक हुई, और उसमें 5 नामों को लेकर अब फाइनल कर लिया गया है। आज या कल कभी भी जो सूची है वो जारी हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कल ही बैठक से होकर लौटे हैं, और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही कांग्रेस इन इलाकों में उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, ताकि चुनाव प्रचार बेहतर तरीके से वो कर सके और प्रत्याशियों को भी बेहतर तरीके से चुनाव प्रचार के लिए मौका मिल सके। हेमंत, क्योंकि तमाम अटकलें इस बात को लेकर के की जा रही थी, इन 5 नामों को लेकर के की जा रही थी, क्योंकि सिंगल एक तो नाम ना होने का भी एक प्रमुख कारण रहा, और दूसरी तरफ समन्वय बनाने को लेकर के भी कहीं ना कहीं सुर्खियां आ रही थी। तो क्या मिनाह रही जिसके आधार पर प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है? देखिए, वरिष्ठता के आधार पर भी टिकट बांटा जाएगा, और जो नाम गए थे उसमें कई वरिष्ठ नेताओं के भी नाम थे। इन 5 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा पेच फंस रहा था बस्तर सीट को लेकर। दीपक बैज को यहाँ पर कहा जा रहा था कि वो चुनाव लड़े, लेकिन इसी बीच जो पूर्व मंत्री कवासी लखमा हैं, उनके बेटे की एंट्री हुई, वो अपने बेटे के टिकट को लेकर दिल्ली गए, तो मामला यहाँ पर फंसता नजर आया। लेकिन अभी भी आलाकमान दीपक बैज को चुनाव लड़ने वहां पर कह रहा है, तो हो सकता है दीपक बैज ही बस्तर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हो। बिलासपुर लोकसभा में इस बार नया चेहरा होगा, क्योंकि इन 5 लोकसभा सीटों को जो ऐलान किया जाना है उसमें बस्तर ही कांग्रेस ने जीता था 2019 के लोकसभा चुनाव में, बाकी जगहों पर हार मिली थी। तो इसलिए खासतौर पर रायगढ़, सरगुजा, इन जगहों पर कांग्रेस फोकस करेगी, और सरगुजा में कोई महिला उम्मीदवार हो सकता है। इसके अलावा इन 5 में कम से कम 2 महिला उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस निश्चित तौर पर करेगी। चलिए हेमंत, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर लौटेंगे आपके पास।